हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप लोग कैसे, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग क्रिकेट कमिश्नर में स्वागत। मैं सतीश मिश्रा। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स। देखिए, ऑलमोस्ट चेन्नई सुपर किंग्स मैच हार चुका है अभी, जस्ट धोनी आउट हुए अभी। और देखिए, करीब 60 रन सुपर रन चाहिए करीब 17 गेंदों पे। देखिए, और जो नामुमकिन है, क्योंकि देखिए जिस तरह की पैथेटिक बैटिंग किया है सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स ने, वो देख के बहुत ही बुरा लगा। क्योंकि आज लगातार तीसरा मैच हार गई चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि कप्तानी को कुछ समझ नहीं आ रहा। जडेजा कप्तानी को कुछ पता ही चल रहा है कि जडेजा कप्तानी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका कोई रोल ही समझ नहीं आ रहा है। धोनी का अपना अलग सिस्टम है। उसके बाद देखिए, जिस तरह की बैटिंग आज सीएसके ने किया है, बहुत ही बेकार बैटिंग किया है। और जो मतलब कि बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉट खेलने को रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया ही नहीं उन्होंने। केवल आए और आउट हुए चले गए। देखिए, गायकवाड़ तीसरे मैच में फेल हुए आज भी, और बिल्कुल भी रन एक रन बना के आउट हुए। आज के पहले दो मैच में भी फेल हुए। उसके बाद देखिए, उथप्पा का स्टार्ट जरूर मिला, अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन वैभव अरोड़ा नया बॉलर अभी पिकअप किया है पंजाब इलेवन किंग्स ने। और अपने दूसरे ओवर में उथप्पा को आउट करके मेडल अपना विकेट लिया। उसके बाद देखिए, जो भी चाहे वो चाहे रायडू हो गए, चाहे उसके बाद मोइन अली को भी क्लीन बोल्ड किया। देखिए, मोइन अली की जिस गेंद पे आउट हुए, देखिए कितनी बाहर की गेंद थी, उसके बाद भी वो आउट हुए। देखिए, मतलब की वाइड गेंद थी, वाइड गेंद को छिड़कानी करने चक्कर में वो क्लीन बोल्ड होकर बैट का साइड एंगल लग के स्टंप जा गेंद लगी। उसी प्रकार से अर्शदीप गेंद पे जडेजा भी आउट हो गए। जडेजा की कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखी इसमें, ऐसे कैप्टन जो इस सीजन दिखी है, लास्ट सीजन जो जिस तरह खेलते थे उस तरह जडेजा बिल्कुल नहीं, ना बॉल से कुछ कमाल कर पा रहे, ना बैट से कुछ कमाल कर पा रहे। ऊपर से देखिए, बॉलिंग भी सीएसके की बस मात्र बॉलिंग ही रहे। प्रिस्टोरियस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जीजे ब्रेवो ने भी अच्छी बॉलिंग की, जॉर्डन ने भी दो विकेट लिए, अच्छी बॉलिंग किया उसने। उसके बाद कोई बॉलर अच्छा, मोइन अली को ज्यादा ओवर दिया नहीं गया, एक ही ओवर खिलाया गया। उसके बाद देखिए, पंजाब इलेवन किंग्स की अगर हम बात करें तो लिविंगस्टोन ने आज कमाल की बैटिंग की, और उसकी उसी शिखर धवन की लिविंगस्टोन की बदौलत ही 180 के आंकड़ा तक पहुंच गई। एक समय ऐसा लग रहा था कि 200 पार जाएगी पंजाब इलेवन किंग्स, लेकिन बॉलिंग बाद में सीएसके ने कमबैक जोड़ के, लेकिन 180 का टारगेट भी ह्यूज टारगेट था। और जिस तरह से मतलब कि वैभव अरोड़ा ने गेंदबाजी की, स्पीड उसके पास नहीं है, लेकिन जिस तरह दोनों तरफ स्विंग करा था, कमाल गेंदबाजी किया है और दो विकेट ले गया। उसके बाद देखिए, जितेश शर्मा ने जिस तरह की बैटिंग की, 3 छक्के लगाया उसने आज। जिस तरह देखिए, इस तरह की मतलब की बैटिंग करने की जरूरत थी सीएसके को, जो आज पंजाब किंग्स की तरफ से देखी। देखिए, स्वयं दुबे ने जो कोशिश की, लेकिन उसके साथ कोई साथ देना कोई था नहीं। धोनी बहुत स्लो खेल रहे थे, आपको पता है कि धोनी बिल्कुल टाइम लेते हैं, उस तरह पुराने धोनी नहीं रह गए हैं और पूरा टाइम लेकर इसके बाद शॉट खेलना पसंद करते हैं। देखिए, कुल मिला के देखिए, सीएसके ने बहुत ही खराब बैटिंग की है, बॉलिंग भी अप टू मार्क नहीं है उनकी, और सीएसके जिस तरह से कॉन्फिडेंस काफी लूज लग रहा है। और जब से धोनी ने कप्तानी हैंड ओवर किया है जडेजा को कुछ पता नहीं चल रहा कि जडेजा कप्तान है कि नहीं है, फील्ड में क्या कर रहे हैं, ना बैट से कोई परफॉर्मेंस नजर आ रही है, ना बल्ले से कोई परफॉर्मेंस नजर आ रही है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कुछ भी उनका पता नहीं चल रहा उनका जडेजा क्या। मतलब कि लास्ट सीजन देखिए, जडेजा ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की, बैट और बॉल दोनों से, लेकिन इस सीजन में बिल्कुल परफॉर्मेंस नजर ही नहीं है, ना बैट से कोई परफॉर्मेंस है, ना बॉल से कोई परफॉर्मेंस, ना फील्डिंग से कोई परफॉर्मेंस दिख रही है, ना कैप्टनसी का कुछ पता चल रहा है कि कौन से कैप्टनसी कर रहे हैं कौन नहीं कर रहा है, या ऐसा लग रहा है कि धोनी कैप्टनसी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। और बहुत ही खराब है, मतलब कि आज बहुत उम्मीदें थी सीएसके से कि आज सीएसके जरूर कमबैक करेगा, लेकिन जिस तरह की मतलब कि पैथेटिक बैटिंग किया है सीएसके ने, वो मतलब कि बिल्कुल फैंस के लिए बिल्कुल भी खुशी की बात नहीं होगी, फैंस के लिए बहुत दुखी बात। लगातार तीसरा मैच सीएसके हारी इस बार के, लास्ट आईपीएल का विजेता रह चुके हैं, और इस तरह की परफॉर्मेंस देखने मिली। खास कर गायकवाड कुछ नहीं खास कर पाए, रायडू कुछ नहीं कर पाए, उथप्पा जरूर कुछ मैचों में अच्छा किया, उथप्पा ने आज स्टार्ट जोड़ने का उसको मतलब कि बड़े उसको नहीं तब्दील कर पाए। तो कुल मिलाकर मतलब कि पंजाब इलेवन किंग्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, बॉल बैट बॉल दोनों से अच्छा किया उन्होंने, और लिविंगस्टोन जितनी तारीफ करो उतना कम है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, सभी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं इस वीडियो में, बाय, टेक केयर।